जॉनथन 10 टोटल फ्राइज खिलाने के बाद माय गॉड गॉडलाइक के पास अब फाइनली फाइट लेने का मौका। जिस फाइट का इंतजार हम सब कर रहे थे वो फाइट अब होती नजर आएगी, बट पीछे फुली क्या पता टीम एक पाक के ऊपर एक फ्राइज निकल जाए, लेकिन पीछे की तरफ निगाहें गड़ाई पुकार दे और कर दिया है शिकार काबले की तरफ। इट इज इरांगल बचे हैं यहां पे, इस ग्रुप बकल अप करना पड़ेगा। जो की फाइट ये ओपन में जो फाइट होती है अक्सर नुकसानदायी होती है और काफी दूर से जेली ने कैपिटलाइज कर दिया, ये काफी अच्छी चीज है। यही एंड ओवर एडमिनो थे जिनको वो फ्रैग मिला, दैट वाज गुड। वो फ्रैग चुराए गए हैं एडमिनो के 10 फ्रैग्स, फिरो 4 फ्रैग्स तो मैंने एटलीस्ट यहां पे काउंट कर लिए हैं जो इन्होंने चुरा लिए हैं। ये दर्शाता है ओआर का स्क्वाड आज के दिन पे एक अलग ही अंदाज में आया है। एंड डिस्टेंट स्प्रे बहुत बेहतरीन लॉक फिनिश, एक और स्प्रे दे रहे हैं। लेफ्ट साइड पे अभी भी खिलाड़ी है वेरॉन नजर आ रहे हैं, कल के दिन पे एमवीपी परफॉर्मेंस आई थी वेरॉन द्वारा, लेकिन यहाँ पे लग अप्रोच था। इस बार जोन को ट्राई दी उन्होंने, ज्यादा फ्लैग्स उन्होंने निकाले नहीं, पड़ते चली यहाँ पे पुश करना चाहते थे होप के आखिरी प्लेयर, उन्होंने राउंड भी है ब्लू जोन भी है मिल गया है फ्लैग, टेकू को भी डाउन करके और स्ट्रेंजर्स वो भी अभी तक बचे हुए हैं। टीम होप जैसा मैंने पहले बोला जो जारू पर चलिए हो उतना करेंगे और फोरेस के ऊपर अब रोटेशन रश आता हुआ सामने के ऊपर, सामने की तरफ प्लेयर को डाउन किया बाकी से पीछे से एक और प्लेयर। इट्स एन इंटरेस्टिंग फाइट बिकॉज जोन के बाहर जाके इस फाइट को अंजाम देने की कोशिश करी गई है। प्रिंस यहाँ पे स्प्रे करेंगे, प्लेयर को जरूर डैमेज दिया बट डाउन नहीं किया अभी तक, कोशिश तो कर रहे हैं सामने से एक और प्लेयर आया, डिस्ट्रैक्शन देखने को मिला, टीम वर्क अच्छा है फोर रेंजर्स का। वहीं अगर बात की जाए उनके अपोनेंट की रफ नेशन ऑन द बैक फुट लास्ट मैन स्टैंडिंग नॉट फॉर लॉन्ग, उनको भी खत्म किया जाएगा। में हुआ थोड़ा सा वार बट क्या यहाँ पे मैक करेंगे प्रहार, कोशिश तो कर रहे हैं अपनी यूएफपी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश, उनके पास एचपी तो है नहीं, वो जीत नहीं पाएंगे। अरे वाई दे आर ऑन टॉप राइट नाउ और वो प्रूफ करते हैं सामने के प्लेयर को स्पॉट किया गया। टोनी स्प्रे करेंगे, बाजी मारेंगे अपनी #2 की जगह जो है सुनिश्चित करेंगे। और अब यहाँ पे चलिए सैर सपाटे के लिए आए तो थे टोनी, लेकिन गलत जवाब बचाते हैं, लेकिन डेक्स्टर प्रोन है उन्हें पता है प्लेस की लोकेशन का। यस ऑफ कोर्स उठे थे फ्रैग निकालने की बट प्रिंस टेक्स हिम डाउन, अब वो बहुत ज्यादा खतरनाक रहा और अब किंग बढ़ते जा रहे हैं। चेंगे, इट्स ऑल ओवर, एक चिकन जरूर आएगा बट वो अभी भी हील बैटल की सोच रहे, ऊपर प्लेयर है देखिए तो सही, उनको स्पॉट किया शॉट दिया। जो आपको इस ग्राफिक में देखने को मिलता है ये रैंकिंग क्या है पता चल ही जाएगा क्रॉस के लिए स्पोर्ट्स। अब एक अगले दो मुकाबले में वो बढ़िया खेल कर जाए, अभी यहाँ पे हर टीम डेस्परेट है, देखते हैं वो कौन सी टीम है। एक और मैच बचेगा इसके बाद, किया फिनिश अभी तक मिला नहीं, ब्रिक वो थे जो नॉक हुए थे डेक्स, यहाँ पे नॉक शॉट देते हुए एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया, दूसरे प्लेयर को एक एचपी छोड़ा है, ये एक बहुत अच्छा मूव था उनकी तरफ से बट उनको किया जाएगा। खिलाड़ी जो था रिवाइव हो चुका है बट वहीं पे आते हुए वासी आसानी से टेक डाउन किए जाएंगे जॉर्ड के द्वारा, बहुत ओपन से आके वो रश करने की कोशिश कर रहे थे बट स्नोक 6 गोलियां हैं, वेपन में रिलोड करने की जरूरत पड़ेगी और मैं कहने ही वाला था कि रिलोड करने की जरूरत पड़ेगी बट सामी यहां मौजूद है और उन्होंने फैज 2 ओपी को स्पॉट कर लिया, आसानी से डाउन किए गए और इसी के साथ आखिरी खिलाड़ी सामी उनको भी, चारों खिलाड़ी एक साथ एकजुट एक सिंगल टीम से फाइट करेंगे। जी हां बढ़ जाएगा बट आपका एग्जांपल बहुत सही था मेजी, एक साथ आए फाइट पे खत्म होते कुछ नजर आए, कुछ प्लेयर्स हैं जो जोन के अंदर आने में कामयाबी पाई, 2 प्लेयर्स हैं एक्चुअली बट एडमिनो इनको भी संभलना पड़ेगा कि मल्टीपल एंगल से यहाँ पे टीम्स एज कर रहे थे, वो दिखाया इन्होंने बट वो काम नहीं करा अभी के लिए। मैक्स एक और प्लेयर को स्पॉट किया, मैक्स का बचना मुश्किल, मैक्स भी डाउन, स्टार्टिंग नाउ पीछे से थर्ड पार्टी हो गए, ब्लू 82 की स्क्वाड पीछे मौजूद थी, वार को इस चीज का पता चला नहीं और पहले से ही उनके पास एटलीस्ट कम से कम 8-10 अंक तो होगा ही होगा। बट वहीं पे सेवियर एक बढ़िया ग्रेनेड किए गए, आराम से डाउन कर दिया गया बट सेवियर शायद वो जो 2 खिलाड़ी हैं आपको डाउन होते हुए नजर आ सकते हैं बट नहीं, वो ग्रेनेड भी ठिकाने पे नहीं गया। बट इसी के साथ सेवियर एक बार फिर से तैयार, स्टेन को उन्होंने डाउन किया, सेवियर एक और ग्रेनेड के साथ, ज्यादा इस बार कुक ना करें उनके लिए बेहतर होगा। बट सामने जो खिलाड़ी मौजूद है टीम नो मर्सी का, आसानी से उनको स्पॉट किया जाएगा। अरे नीचे अभी खिलाड़ी समाप्त हुए नहीं, आपको फिनिश पॉइंट वहां पे रीड करना चाहिए, जस्ट वहां पे एक और टीम के साथ फाइट लेते हुए नजर आएंगे बट अभी तक उन खिलाड़ियों ने देखा नहीं, कैसे आप नहीं देख सकते, बट नीचे नो मर्सी के जो खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने भी कुछ खास, जिनके पास एक एक टोनी अभी भी फिनिश बाकी है, ड्रैकुला उनको स्पॉट किया गया तब भी उनके लिए फायदा हो सकता है। उस गेम का एडवांटेज जरूर था उनके पास बट जोन नहीं था और जोन के अंदर जाने की जद्दोजहद में प्लेयर्स आ तो रहे हैं और लॉबी से बाहर भी जा रहे हैं, चौथा प्लेयर भी खत्म, एक एक करके करके जाओगे, स्मोक बनाया जरूर था बट इसी के चलो अब बहुत मुश्किल। ज़ियोस एचपी उनके पास है नहीं, खत्म उनको भी किया जाएगा। चलिए एक ऐसी टीम है जिन्होंने कमबैक किए 17 सेट, देखिए मैं लिख के देता हूं वो नहीं रेस्ट करके आइए हमारे साथ रहे हैं, जिस तरीके से एम नहीं कर पाएंगे वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा अब आसान ले चुके होंगे इस लॉबी को और उस चक्कर में उनके द्वारा गलतियां की जाएंगी। वो मुकाबले बहुत अच्छे खेल लिए, तीसरे मुकाबले में आप बाकी टीम को कम आंकते हैं और वही
यही तो खूबसूरती है हमारे चैनल मैप की, सामने बढ़ते जा रहे हैं वासी और कवर बैक। एक और ग्रेनेड पिन किया गया है, लेकिन आप ग्रेनेड के चलते सामने खिलाड़ी को मिस कैसे कर सकते हैं? ओपन में थे बट राइट साइड से भी शॉट्स आते हैं, बट इस बार ग्रेनेड शॉट्स भी आए और नॉक फिनिश होते हुए नजर आए। S2 OB भी डाउन होते हुए थर्ड। अगर टीम ब्रेव भी बाहर जाती है, क्योंकि ये दोनों ही टीमें आठवें और नौवें पायदान पर थे, पॉइंट निकालें और अपनी टीम को आगे लेकर जाएं। टीम ब्रेव पिछला मुकाबला उनके लिए अच्छा रहा नहीं था, सामी एक कोशिश की उन्होंने एक जी, जिस तरीके से हम फ्रैग फीड पे नजर जा रहा है ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ही नाम देखने को मिल रहा है टीम द्वारा, लेकिन ये एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया था। और ये फाइट टीम नो स्किल्स वर्सेस ओआर काफी ज्यादा बढ़िया, सबसे पहले एडमिनो डाउन किए गए, उसके बाद सेवियर आए, उन्होंने मैक को डाउन किया, मैक्स यहाँ पे मौजूद और साथ ही साथ कुछ ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया गया था। मैक्स कोशिश कर रहे थे और वहीं पे जस उनके जय मुकाबले में कितने और अंक, वहां पे जॉट को स्पॉट किया गया इनके द्वारा, आसानी से नॉक और तुरंत के तुरंत वहीं पे फिनिश भी कर दिया जाएगा किलर के द्वारा। अपने को कवर का इस्तेमाल नहीं कर पाए अपने लिए, बट यहाँ पे अब यार के ऊपर भी झटका लगता है, वेल्फ माइटी बदला लेने के लिए आ चुके हैं, एक नहीं दो नहीं मल्टीपल प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश की जा रही है। पे टीम को लेकर आए थे, अगर वहां का 8 प्लेसमेंट पॉइंट यहां का 10 जोड़ा जाए और साथ ही साथ दो फिनिशेस 20 अंक निकाले दो मुकाबलों में। जॉर्ड एक बढ़िया शॉट, डोमिनिक डाउन प्रोफेसर, वो आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे। जॉर्ड क्या बढ़िया वहां पे डीबीएस का शॉट उन्होंने कनेक्ट किया, पर प्रोफेसर अब वो आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, उन्होंने डाउन किया वुल्फ को और अब बारी आती है जॉर्ड की, देखना यह कि क्या वो नॉक कर पाएंगे। अपने जॉर्ड को भी डाउन किया प्रोफेसर, वो डाउन कर सकते थे, उसने कितनी मेहनत करी तो उसका नतीजा क्या है? वो 7 टीम्स कौन सी है करके गई थी, अगर आप वो कट ऑफ मार्क पार नहीं करते हो तो अब आप देखिए बारियों में एंड आपको वहां पे होप के ड्रॉप क्लास देखने को मिलते नहीं है, बट गॉडलाइक अभी फाइट पे है और वो भी वहां से शॉट ले सकते हैं, लेकिन अब फाइट होती सारे बच रहे हैं वहां पे बार बार। इट इज अ नेड परेड चारों तरफ, बस आपको यहाँ पे नेड ही देखने को मिले, बट अंदर जैसे ही प्लेयर गए 20 भी उनको डाउन किया गया, पीछे जो प्लेयर आए उनको भी डाउन किया गया, मुश्किल में फंसते हुए दो तरफा वार, ये नेड बिल्कुल उनकी तरफ तैनात, कुक करके डाला गया ये नेड और आराम से एक और नॉक मिलेगा यहाँ पे उनके अपोनेंट्स का, बच के जाना प्लेयर एक साथ पुश करने की कोशिश, क्या हुआ सडनली मुश्किलों में फंसते हुए वो प्लेयर। और फिलहाल टेंट के अंदर रिवाइवल तो हो रहा है, लेकिन ऑर्डर भी यहाँ से नजर आते हुए, बट निक ग्रेनेड लगा है निक को टेक डाउन होते हुए और टाइम, बट टीम एक्स पार्क उनका भी आगमन, वो भी चाहते हैं जोन के अंदर जगह बनाए, बट स्काउट अभी के लिए जोन के बाहर, उनको भी जोन के अंदर आना पड़ेगा, बूस्टर लगा। आदित्य की अगर बात की जाए, ये नेड उनके हाथ में सही जगह जाएगा तो वैल्यू जरूर मिलेगी। चलिए लारा को यहाँ पे डाउन, चलिए अब रिस्क की बात कर रहे थे, सारंग भी आते हुए आदित्य भी आते हुए सामने की तरफ प्लेयर को स्पॉट किया गया, बट अभी भी कवर तो है उनके पास, लेकिन यहाँ पे आदित्य करेंगे बचा खुचा। टीम एक्स पार्क अच्छा खेल रही है, लेकिन गॉडलाइक के पास अब फाइनली फाइट लेने का मौका, टेक डाउन कर दिया है यहाँ पे और सामने की तरफ एक और खिलाड़ी जी गॉड, उनको भी स्पॉट कर लिया गया है, डीबीएस इतनी दूर से कनेक्ट हुआ, आगे बढ़ रहे हैं, ये जिस फाइट का इंतजार हम सब कर रहे थे वो फाइट अब होती नजर आएगी, बट पीछे इज आल्सो देयर, ही इज आल्सो स्टैंडिंग, तो उनको पता है प्लेयर का है और वो नॉक करेंगे, दैट्स प्रे, उनको टैकल कर लेते हैं, लेट्स ऑल टेक द टीम डाउन एंड देन वी विल टेक, बट ये ग्रेनेड टीम एक्स पार्क, That need was everything. वो need आया players को down करा, अब X-Pac के सारे players एक साथ push करते हुए इधर value दिला सकता है, Jonathan के हाथ में need, सामने X-Pac की पूरी team, एक net जाएगा, एक player down होगा, ऊपर से दो player आए, and they take Jonathan down, team X-Pac. अंदर risk ले लीजिए और hopefully क्या पता team X-Pac के ऊपर एक frag निकल जाए, लेकिन पीछे की तरफ निगाहें गड़ाई पुकार ने और कर दिया है शिकार। 16 फ्रैग्स ऑलरेडी आ चुके हैं 30 प्लस पॉइंट्स निकालने के लिए, ये गजब का गेम दिखाते हुए सारंग बूम गोज द डाइव, आखिरी में आके स्पीरो बचे कुछ पॉइंट्स निकाल के चिकन डिनर भी निकालना, टीम एक्स पार्क के सारंग भी आगे की तरफ जाते हुए, लेकिन आदित्य ने कहा भाई सारंग आप कहां जा रहे हैं, हम आपका फ्रैग ले लेंगे, और अब सारंग आखिरी फिनिशिंग फ्रैग निकालना चाहते हैं, इट्स गोना बी अ टफ बैटल, 3v4 की बैटल जल्दी भी, चलिए एक फ्रैग निकाला था सारंग आगे अंदर जाना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ इनके बीच में रेस लग गई है, इवेक्स पार्क के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, आखिरी खिलाड़ी को भी टेक डाउन कर, की तरफ भी अब एक नजर डाली जाएगा, बिकॉज़ एक्स पार्क प्लेड ऑन अ डिफरेंट लेवल एंड कैप, ये एक अच्छी शुरुआत है उनके द्वारा, क्योंकि इसके पहले वो बहुत हमने देखा है रैंगल में भी करती है, हम ग्राइंड से देख रहे, और कल नोवा अच्छा खेले थे, पहला मुकाबला छोड़ दिया जाए, बाकी दोनों मुकाबले में वो अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए, और यहाँ आप देखें कि एक भी खिलाड़ी को वो नॉक नहीं कर पाए, बट स्काउट सबसे पहले पकड़े जाएंगे टीम गॉडलाइक के द्वारा, और स्काउट का बचना लगभग नामुमकिन, पावर मीकर चलाने की वो कोशिश कर रहे थे, स्काउट को डाउन किया जाएगा और इंस्टेंट उनको फिनिश भी किया गया, बट पुकार उनके पास वो हाई रेज एडवांटेज, इस पावर को उन्होंने डाउन तो किया, जॉनथन को भी स्पॉट किया गया पुकार के द्वारा, स्प्रे करने की कोशिश है बगी का टायर, टीम एक्स पार्क एक फिनिश के साथ, बट जी गॉड आदित्य
उनको डाउन, उनके द्वारा डाउन किया जाएगा। देखिए साथ, एक कवर में एक 1v2 सिचुएशन, आदित्य के सामने दो शिकार बढ़ा देते, एक प्लेयर ने डिस्ट्रैक्ट किया, दूसरे प्लेयर ने टेक डाउन करने की कोशिश करी, दैट्स अ परफेक्ट प्लानिंग कमिंग इन फ्रॉम गॉडलाइक, उनको अवॉइड करके आगे चले गए। नो वैल्यू बहुत ज्यादा ओपन में लेटे हैं। जी हां, सारंग ने फाइनली देख लिया लिवाई को इतना ज्यादा। क्या आप नेड करते नजर आएंगे? मुझे लगता नहीं कि इस कंपाउंड में उनका नेड आएगा, बट अभी के लिए पुश करने की कोशिश करी गई। यहां पे क्रॉस फायर सेटअप था नहीं, एक प्लेयर को लाला के द्वारा डाउन किया गया, दूसरा प्लेयर सामने आता हो, दूसरे प्लेयर को डैमेज दिया गया, इनको भी रिलोड करना पड़ेगा एक शॉट देने के बाद। चलिए एक और प्लेयर को डाउन, और प्लेयर लाला इज जस्ट रैपिंग थिंग्स अपार्ट, बट नो कवर आया लावा का, पॉसिबल क्लच, एक इंपॉसिबल डू, बट नॉट फॉर लॉन्ग। और सामने आते हुए खिलाड़ी को उन्होंने रोक दिया, बट इसी के साथ जॉनाथन शायद वो डाउन किए जाएंगे। नियो वहां पे जॉनाथन को नॉक किया गया था, आई गेस वो सोल्जर ही थे, एंड सोल्जर ही थे जिन्होंने जॉनाथन को समाप्त किया। इजी गेमिंग, आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, 1v1 का ये सिचुएशन चलता हुआ, और व्हाट डीपीएस का प्रहार, और इसी के साथ नियो उनको किया जाएगा डाउन। उनको ऊपर में से जाना पड़ेगा, फोर सेंटिनल्स को नंबर्स गेम तो जरूर है, बट नॉक के बाद पुश करने की बारी है। डेडाए पुश करने की कोशिश से ही कवर में जाएंगे, डी उसके 360 को पूरा खेल चेंज हो गया, हेर यू गो, कुछ करना नहीं पड़ा, देखने को मिल जाए, क्योंकि अब हमारे पास चलता हुआ शूटिंग रेंज से और जाके खत्म होगा नोवो रिप्नॉय पे। से पहली टीम, टीम नो वैल्यू, वैल्यू पे स्प्रे, ओह क्या बात है, जी गॉड चलती गाड़ी से नॉक निकाल दिया, और अब पुश आएगा, अब पुश जाता हुआ टीम गॉडलाइक का सामने की तरफ। नो वैल्यू, एक वैल्यू तो जनरेट करी है टीम गॉडलाइक ने, लेकिन सामने की तरफ अभी भी खिलाड़ी था, उनके पास मौका था स्प्रे करने का, चुकी है नियॉन को, लेकिन लेफ्ट साइड से एस पावर, हाथ में है ग्रेनेड, गन की जरूरत थी, लेकिन इस बार ग्रेनेड ही करेगा काम, नियॉन को टेक डाउन करते हुए एस पावर तोड़ के उनका नॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है, गोजो की तरफ बढ़ते हुए ऊपर की तरफ खिलाड़ी, और लेक्टर की पोजीशन, जी गॉड इज ऑल्सो डाउन। टीम गॉडलाइक के ऊपर भी बराबरी का वार चलता हुआ है, यहाँ पे लीवाई लो वैल्यू के लो एचपी पे है, एस पावर ओपन में आते हुए टेक डाउन करेंगे, और अभी ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ध्यान देना पड़ेगा, जी गॉड इज ऑल्सो डाउन, जॉनाथन इज ऑल्सो डाउन, नियो इज ऑल्सो डाउन, एस पावर बींग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, गेम हो चुका है नो वैल्यू का खत्म, और एस पावर का क्लच आता हुआ यहाँ पे। लेक्टर को नीचे कूदने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी, उनके पास अच्छी पोजिशनिंग थी, एग्जैक्टली, और वहां से वो टीम को एलिमिनेट कर सकते थे, बढ़िया खेला आपने, बट आखिरी के मोमेंट्स में थोड़ा पैनिक पड़ गए और वहां पे आप खुद को एलिमिनेट करा के गए, और साथ ही साथ अपनी टीम को बरसारंग, इसी बीच उनको डाउन किया जाएगा, खिलाड़ियों के साथ अभी भी वो मौजूद रहेंगे, चार फिनिशर्स उनके पास है, बरसारंग जहां पे डाउन किए गए वहां से रिवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, पुकार उनको भी डाउन किया गया। साइड से स्काउट की तरफ बढ़ते हुए, स्काउट के हाथ में मौली है, उजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उजी इतने डिस्टेंस में, चलिए S12 के कनेक्ट हुई है, लेकिन अभी भी सामने चैलेंज है, ओ माय गॉड, गलत समय पे गन स्विच की, स्टार्क ड्रॉप नीचे होते हुए पानी में गए हैं, जैन लाइट भी डाउन होते हुए यहाँ पे, और चलिए अब आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद टीम एक्स पार्क के, लेकिन नोवा भी लो एचपी पे है, तो फ्रैग्स आ चुके हैं, नोवा ज्यादा मुझे लगता है अभी थोड़ा सा ज्यादा खौफ में नजर आ रहे हैं, इवन दो जैन के हाथ में ये मुकाबला काफी हद तक नजर आता हुआ, लेकिन आदित्य धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लो एचपी भले ही है लेकिन जैन नोवा की और ज्यादा लो एचपी है, आदित्य चेज करना चाहते हैं, लेकिन स्काउट धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ रहे हैं रिवाइवल के लिए, रिवाइवल की कोशिश यहाँ पे, बट अब मुझे लगता है नोवा को भी शायद कॉल जा रहा होगा कि अब आपको रिस्क ले लेना चाहिए, और यहाँ पे टीम एक्स पार्क ने भी दौड़ लगा दी अपनी, फार्म का एरिया अभी के लिए ब्रिज क्रॉस करके आ चुके हैं, लूट करना जरूरी है। हमने चर्चाएं कर भी ली थी कि जैन की स्क्वाड शायद वो सही सलामत सर्कल के अंदर ना पहुंच पाए, बट टीम एक्स पार्क एक बढ़िया रोटेशन ईस्टर्न एजेस पे वो जा सकते हैं, कहीं से भी निकले कहीं पर भी जाएं, बट टीम एक्स पार्क वर्सेस गॉडलाइक ये तो होना तय है। आप देखें कि दिशा कहां थी, वो नॉर्थ पे थे, वो साउथ पर थे, बट अब जाकर वापस टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम एक्स पार्क एक बार फिर से होने को तैयार। सरवाइव कर रहे हैं स्पाई सामने नजर आते हुए, लेकिन विद द लास्ट फ्रैग स्पाई के साथ साथ पूरी की पूरी टीम को शट डाउन कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आती हुई, नाइन टेल्स हैज आल्सो इनवाइटेड इटसेल्फ टू द पार्टी, सामने से जाट भी आए हैं, नाइन टेल्स, ओबीटो, ग्रेनेड, एक प्लेयर डाउन, रियू आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, गैस कैन अंदर ब्लास्ट हुआ, रियू ग्रेनेड के साथ तैयार, एक और ग्रेनेड आया, ग्रू वाईटी जो नॉक पड़े हुए थे उनको समाप्त किया गया, बट रियू देखना यह कि कब तक वो बच पाएंगे, ग्रेनेड एक और आया बट वो ग्रेनेड अंदर तक आया नहीं है, बट रियू देखना यह कि उन्होंने आवाज दी, जी हाँ उन्होंने फर्स्ट एड का आवाज दे दिया, और अब अंदर सारे खिलाड़ी आते हुए नजर आएंगे, और ये क्या, आपने फर्स्ट एड निकाला, आपने आवाज दे दी और अभी भी आप हील कर रहे हो वहां पे, ये खैर अकलमंदी की बात थी नहीं, बट वहीं पे टीम गॉडलाइक F2B लावा सबसे पहले वहां पे डाउन की गई, लारा अभी भी मौजूद, रॉक्सी उनको भी आप देख पाएंगे, लावा समाप्त, प्रिंसी उनको भी समाप्त किया गया, अब बारी आती है लारा की, और इनसेन के द्वारा कहा गया था कि 8 फिनिशेस निकालने हैं
इस वक्त टीम F2B गर्ल्स को, लारा अभी भी अंदर मौजूद, रॉक्सी उनको भी डाउन किया गया और अब पूरा भार आता है लारा के ऊपर, कुछ खास कमाल कर नहीं पाएंगे और इसी के साथ नियो को तो खोया बट वो जो फिनिशेस थे लारा के ऊपर गाड़ी चढ़ गई इनसेन होंगे तो भी एक प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलेगा ही मिलेगा बट क्या पता फिनिशेस भी वो अपनी टीम के लिए लेकर जाए। को बहुत ज्यादा डैमेज दिया बट नेक उन्होंने असुर को किया समाप्त। यहाँ पे अगर हम देखें गॉड लाइक जोनाथन काफी डिस्टेंस में स्प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट जेरी को टेक डाउन किया है, कंफर्मेशन भी चाहते हैं, दैट इज व्हाई ही इज गोना गो फॉर द अदर स्प्रे, लेकिन वहां पे और भी खिलाड़ी और थर्ड पार्टी भी आता हुआ, इट सीम्स लाइक ओ माय गॉड स्प्रे कर रहे थे राइट के ऊपर, यूट्यूब लाइव यूट्यूब ईविल के ऊपर शॉट कनेक्ट हो चुका है, राइट जेली का कंफर्मेशन तो आया, राइट सार्क भी कंफर्म होते हुए और थोड़ा सा हेल्प मुझे लगता है यहाँ पे पीछे से भी की गई है नाइन टेल्स टीम के द्वारा, लेकिन अब नॉक फिनिश करेंगे जोनाथन, नोटोरियस डाउन है, अब देखना ये ओबीटो वो क्या कमाल कर सकते हैं, जी गॉड एक और ग्रेनेड के साथ गॉड ओजी उनको भी डाउन किया गया एंड मुझे लगता है ओबीटो एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से बट गॉड ओजी का जो फिनिश था वो स्ट्रेंजर ने चुरा लिया और वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे शायद जोनाथन ने उनको डाउन किया, जी हाँ ओबीटो उनको भी समाप्त किया गया। टीम गॉड लाइक बहुत सारे फिनिशेस के साथ आदित्य वो भी फिनिशेस निकालते हुए नजर आएंगे, सूर्य उनको भी डाउन किया गया, जेडर जोडर जो थे वो भी समाप्त और इसी के साथ GWL की स्क्वाड जो इतने समय तक बनी हुई थी अचानक से गायब। इमेक्स पार्क ने काफी सारे फ्रैग निकाले वहाँ पे, इनफैक्ट आई थिंक तीन फ्रैग निकाल दिए हैं, पहला फ्रैग तो पहले से ही था, एक फ्रैग उसके बाद पहले आ गया था, दो अभी निकाले, लेकिन आदित्य यहाँ पे मुंह के सामने फटा ग्रेनेड और पीछे से स्काउट आ तो चुके हैं सपोर्ट के लिए और नॉक भी पड़ा है वहाँ खिलाड़ी, तो शायद इतना टाइम मिल जाएगा, इतना समय मिल जाएगा कि रिवाइवल हो पाए, लेकिन सामने से INT के जोरो भी कोशिश कर रहे हैं बट आगे भी देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुआयना लेना पड़ेगा डिस्टेंस से कहाँ कहाँ प्लेयर्स है। चलिए 100 का आंकड़ा पार कर चुके टीम गॉडलाइक की स्क्वाड, 15 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं, 107 अभी तक हमने देखा था क्रॉस किल के पास और अब बारी आती है टीम गॉडलाइक के एसपावर, खिलाड़ी आ चुका है एसपावर मोस्ट प्रोबेबली सर्कल के अंदर आपको दिखाते आते हुए नजर आएंगे, जी हां वो आ भी गए, जोनाथन उन्होंने गरुड़ा को डाउन किया बट इसी के साथ एसपावर आए और उन्होंने वहां पे एक नॉक बढ़िया निकाला बट जोनाथन जी गॉड वो भी सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जोनाथन वो गरुड़ा का जो फिनिश था वो अपने लिए निकाल चुके बट अब बारी आती है जी गॉड एंड जोनाथन की, स्मोक का इस्तेमाल किया जाएगा बट चैंप अभी भी वो पीछे मौजूद है, शायद जीगॉट ने ऑलरेडी उनको देख लिया बट इसी के साथ गाड़ी के उतरते ही एक और खिलाड़ी स्काई उनको भी डाउन किया जाएगा, जोनाथन एक और फ्रैग के साथ 10 टोटल फ्रैग इस खिलाड़ी के बाद स्काउट डाउन किए गए लूफी के द्वारा बट चैंप देखना ये है कि टीम गॉडलाइक की मुश्किलें कितनी वो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देती है एक ग्रेनेड के साथ तैयार ठिकाने पे वो ग्रेनेड गया नहीं, जोरो HP बहुत कम, लूफी ट्राई कर रहे एक और ग्रेनेड आदित्य का बट लूफी उनको भी डैमेज पड़ा स्पैरो की तरफ से और अब एक आखिरी खिलाड़ी मौजूद जेनी, देखना ये है कि क्या वो कमाल कर पाएंगे, आदित्य के पास मौका है अगर एक और अच्छा ग्रेनेड जाता है तो आदित्य यहाँ पे तीन फ्रैग्स अपने लिए अंकित कर लेंगे धीरे धीरे, अब राइट साइड से प्लान करने की कोशिश जीनी ने स्पॉट किया गया एंड देयर वी गो, आदित्य ने अपना क्लच कंप्लीट कर दिया है बट एट द सेम टाइम जोनाथन के पास आई थिंक 10 फ्रैग्स है और अब तक एडमिनो के द्वारा 11 फ्रैग निकले हैं, क्या यहाँ पे 11 का आंकड़ा क्रॉस होगा, आदित्य क्या बात है पैरों को भी टेक डाउन कर दिया है, क्लॉथिक रीड की पोजीशन ऐसी थी मुझे लग रहा था कि कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं लेकिन क्रॉस हो पाएगा, जोनाथन उनको स्पॉट किया गया, आदित्य के द्वारा डैमेज उनको पड़ा है, अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी बट अभी भी आप देखें जी गॉड जिस तरीके से उन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, क्या बढ़िया ग्रेनेड्स उन्होंने मारे इस पूरे मुकाबले में और मैं बात कर ही रहा था कि एक और ग्रेनेड उनके पास है बट ये डैमेज उनको पड़ा नहीं, इस पावर उन्होंने डाउन किया आदित्य को और अब बारी आती है वॉर गॉड के उस आखिरी खिलाड़ी के, जी गॉड उनको भी डाउन किया जाएगा, क्लोजली एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे जो नॉक था वो फिनिश किया जाएगा और अब बारी आती है एक आखिरी खिलाड़ी, देखना ये कि क्या वो समाप्त होंगे, जी हां जोनाथन 11 टोटल फ्रैग उस खिलाड़ी ने निकाले तो सही बट साथ ही साथ वो जो विनर विनर चिकन डिनर था वो भी टीम गॉडलाइक के पास, प्लेयर्स पे भी नजर डालेंगे जो ये फ्रैग्स उनके, जी गॉड के पांच, आदित्य के भी यहाँ पे पांच गॉड्स ने कोशिश अच्छी कर, पता चलेगा कौन है वो सात टीमें और ये भी पता चलेगा कि गॉडलाइक डेट सो नहीं हुए, टीम ब्लाइंड की उन्होंने बराबरी की है जो ग्राइंड में 133 अंक लेकर गए थे और एग्जैक्टली 133 अंकों के साथ गॉडलाइक भी आपको दिखाई देगी, टीम एक्सपार्क 100 का आंकड़ा उन्होंने भी पार किया 109 के साथ बट फोर सेंटिनल्स आज के दिन पे वापसी उनकी हुई और 62 अंकों के साथ ड्यूज मात्र प्लेसमेंट पॉइंट पे उन्होंने फोकस किया पायदान पे, यंगस्टर ईस्पोर्ट्स कोशिश अच्छी की गई थी 24 पॉइंट निकाले, टीम वी यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए बट आज के लिए बस इतना ही, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।